गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आप लोगों को संस्कृत में पंचम पाठ का आधा रीडिंग करवाए थे देशभक्ति से। इस चैप्टर का नाम है देशभक्ति, पंचम पाठ यानी पांचवा लेसन, अध्याय पाँच, और नाम है इसका देशभक्ति। इसका आधा रीडिंग तो हम करवा दिए थे, फिर से एक बार पढ़ देती हूँ। इसका अर्थ भी तो मैं समझा दी थी, लेकिन फिर से एक बार पढ़ के मैं उसके आगे का पढ़ा रही हूँ। माता पुत्रम जयति कष्टेन तस्य पालनम करोति, बालकः मातु अंकम प्रापित्वा स्वर्गादपि अधिकम सुखम अनुभवति, अतः जननी स्वर्गादपि श्रेष्ठा मनयते, किंतु जन्मभूमि अस्माकं मातृभूमे वर्तते, मातृभूमि असंभव्यम नाना विविधानि अन्नानि फलानि च यक्षति, इयम् अस्माकं वस्त्रेभ्य कार्पासादिकं दत्वा शरीराणि अपि शोभने वस्त्र ददाति, वयम् मातृभूमे स्रोतभ्य जलं पिबाम, भूमे मृत्तिकया भवनानि रचयाम, नानाविधान् धातून् रत्नानि च पृथिव्या एव लभामहे। यानी कि तरह तरह के धातु भी हमारे मातृभूमि से मिलते हैं। अब आगे का देखिए, इत्थम या मातृभूमे बहुविध द्रव्य अश्मान उपकरोति, यानी कि मातृभूमि से हमें बहुत माने तरह तरह के द्रव्य क्या हो गया, बहु खनिज पदार्थ यानी कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी सब कहाँ से मिलते हैं, हमें अपनी मातृभूमि से ही प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसको तो हम मशीन के द्वारा फ्रेशनेस उसमें डिजाइन लाते हैं ना, बाकी निकलता तो ये कच्चा माल जमीन के नीचे से ही है, मातृभूमि से ही हमें मिलता है। तो ये बताया गया, तस्य अस्माकम मपि कर्तव्यम यत् वयेन वयनम कायेन मनसा वाचा धनेन च स्व मातृभूमे उन्नति कुर्याम, यानी कि हमें इतने हम इस इतने अच्छे मातृभूमि के बच्चे हैं जहाँ से हमें हर चीज़ की प्राप्ति होती है, तो उस मातृभूमि को हम अपने मन धन मतलब मन तन से उसका रक्षा करने का वादा करना चाहिए कि हम इस मातृभूमि का रक्षा करेंगे, इसको हम अच्छे तरह से आगे इसको हम ऊंचाइयों पे उठाएंगे अपने मातृभूमि का। तो हमें ऐसा मन में भाव रखना चाहिए, अपने मातृभूमि का उन्नति कराने का संकल्प लेना चाहिए। अस्मै देशाय अस्माकं देशवासीनां हृदयेषु प्रेम भवतः, हमें अपने मातृभूमि से हृदय से प्रेम करना चाहिए। सभी देशवासियों को, जो जितने हमारे देशवासी हैं, सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपनी मातृभूमि का रक्षा करें और अपनी मातृभूमि से हृदय से प्रेम करें, जो मातृभूमि हमें हर चीज़ प्रदान करती है। यदि कदाचित किश्चित् देशः अस्माकं देशोपरि आक्रमणं कुर्यात् तदा अस्माकं कर्तव्यं यद् वयं प्राणपणे नापि स्वदेशस्य स्वतंत्रता या सच्च रक्षा कुर्या। अगर हमारे देश पर कोई आक्रमण करता है तो हम देशवासियों को क्या है, अपनी देश की रक्षा करना है, अपनी मातृभूमि का रक्षा करना है, अपने प्राणों का प्रवाह नहीं करते हुए यानी प्राणों का मन में ख्याल नहीं करते हुए हमें मातृभूमि के लिए, अपनी देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना है, बलिदान दे देना है, क्योंकि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा चाहिए। यमेव देशभक्ति यया प्रेरिता वयम स्वदेशम प्रति स्वकर्तव्यम पूर्यन्ते मातृभूमे ऋण्यात् मुक्ता भवितुम शक्नुमः केनापि उक्तम जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसि। यानी कहने का ये मतलब है कि हमको अपने देश को किसी के गुलामी में नहीं जाने देना है, गुलामी से आज़ाद मुक्ति दिलवाना है, हमें अपने देश की रक्षा करना है।
हमें अपने देश से प्रेम रखना चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए, अपने देश को गुलामी के जंजीरों में नहीं बांधना चाहिए। बहुत बड़े बड़े देशभक्त सब हमारा क्या हुआ, पहले ज़माने में हमारा देश क्या था, गुलाम था, तो गुलामी के जंजीरों से हमारे महापुरुष सब ने आज़ाद करवाया हमारे देश को। तो इसलिए अब दोबारा ऐसा ना हो जो कि हमारा देश आज़ाद हो। तो हमें अपने देश की उन्नति के लिए, आज़ादी के लिए हमें काम करना होगा, हमारे अपने देश की रक्षा करनी होगी। इस पाठ में यही आप लोगों को बताया गया है। तो ये पूरे पाठ का मैं अर्थ आप लोगों को समझा दी, तो आप लोग ये वीडियो देख लेंगे और समझ लेंगे। और शब्दार्थ आपके बुक में है, सारे बच्चे के पास बुक तो होगी और शब्दार्थ बुक में है। आप लोग वैसे भी आप इसमें फ़ोटो में देख लीजिए, शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ कॉपी में कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। और मैं जैसे रीडिंग दी हूँ वैसे ही आप लोग रीडिंग देने का कोशिश करेंगे। रीडिंग देंगे सारे बच्चे और शब्दार्थ कॉपी में लिख करके लर्न करेंगे। आगे मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।